नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर रिलेटेड सवालों का जवाब हिंदी में देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है संजीवा श्रीवास्तव का। वो पूछते हैं, विच जॉब विल बी मोर एप्रोप्रिएट फॉर फ्रेशर्स, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर इन विप्रो और ट्रेनिंग इंजीनियर इन बिरला सॉफ्ट विद 3.6 लाख पर एनम पैकेज इन बोथ। यानी कि एक फ्रेशर के लिए कौन सी कंपनी में काम ज़्यादा सही रहेगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर विप्रो में या ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर बिरला सॉफ्ट में, और पैकेज दोनों में सेम ही है जो कि है 3.6 लाख पर एनम। संजीवा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको दो दो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर लेटर मिले हैं। और सच बताऊं तो इसका जवाब देना कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, एक ये कहूंगा कि बहुत ही क्लियर जवाब कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि दोनों बड़ी कंपनियां हैं, दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो इसलिए मैं आपको 4-5 स्टेप्स का एक एनालिसिस प्रोसेस बताता हूं कि आप जब भी आपके पास, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, फ्रेशर ही नहीं एक्सपीरियंस लोग भी, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर लेटर हो तो आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि उस जॉब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है दोनों कंपनियों में। जैसे आप जो हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर का जॉब मिल रहा है विप्रो में, जबकि ट्रेनिंग इंजीनियर का जॉब मिल रहा है बिरला सॉफ्ट में। सो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी डायरेक्टली आपको काम करवाने लगा देंगे, और जबकि बिरला सॉफ्ट में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग इंजीनियर यानी कि आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, मतलब कोई भी डेवलपमेंट के काम में या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी फिर आपको प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। जबकि विप्रो के टाइटल से यह लग रहा है कि आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है। अब यह चीज क्लियर नहीं है, इसलिए आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या वाकई में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर डायरेक्टली आपको ज्वाइन करवाया जा रहा है, या ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर भी आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह चीज क्लियर कीजिए कि दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब भी आपके पास एक से ज्यादा जॉब ऑफर हो तो आप पहले यह डिसाइड कीजिए कि उन दोनों जॉब ऑफर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैं जो कि आप चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप तो टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हैं लेकिन आपको मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जॉब मिल जाता है, और कई बार वाइस वर्सा हो जाता है कि आप मैनेजरियल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आपको टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब रोल मिल जाता है। सो आप सबसे पहले दोनों जॉब रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कीजिए कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कौन सा वो जॉब है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करती हैं। दूसरा पॉइंट चेक करने वाला ये होगा कि दोनों कंपनीज का कितना बड़ा ब्रांड नेम है। यानी कि आप अगर, यहाँ पर तो प्रिटी क्लियर है कि दोनों काफ़ी बड़े ब्रांड नेम हैं इंडिया में, तो एटलीस्ट विप्रो और बिरला सॉफ्ट दोनों सर्विसेज डोमेन में बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड नेम माने जाते हैं, दोनों बड़ी सर्विस कंपनीज मानी जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों के अलावा किसी और कंपनी का भी ऑफर लेटर हो तो आप ये चेक करो कि उनमें से किसका ब्रांड ज़्यादा बेटर है। बिकॉज जब भी आप अगली उस जॉब से दूसरे जॉब में जाओगे तो ये ब्रांड नेम थोड़ा सा मैटर करता है। सो इसलिए ये चेक करो कि कंपनीज का ब्रांड क्या है और किस तरह का काम करती हैं कंपनीज, ताकि और उनका मार्केट में किस तरह का नाम है। तीसरा पॉइंट होगा कि यदि हो सके तो उन कंपनीज में, दोनों कंपनीज में जिन जिन का दोनों या तीनों जितने भी ऑफर आपके पास हैं, उन सारी कंपनीज के प्रीवियस एम्प्लॉयज से बात कीजिए। ये देखिए या उनके वेबसाइट्स पर देखिए कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, किस तरह का काम है, ताकि ये चेक कीजिए कि क्या वो प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट है जिनमें कि आप काम करना चाहेंगे लंबे टाइम तक, या क्या वो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको कि आप लॉन्ग टर्म तक, या क्या वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें कि आप काम करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म तक। सो ये चीज़ें चेक कीजिए। आई नो कि ये थोड़ा सा टफ काम है कि आपको किसी पुराने एम्प्लॉय से, करंट एम्प्लॉय से बात करना उस कंपनी के, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, चूंकि आप फ्रेशर हैं तो आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इन दोनों में से किसी भी कंपनी में
ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनसे बात कीजिए, वो लोग आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देंगे। या अगर आप किसी एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों कंपनीज के वेबसाइट्स पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि उनका क्या प्रोसीजर होता है, किसी भी जॉब रोल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो हैंडल करते हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पर वो काम करते हैं, और फिर वही चूज़ कीजिए जिन टेक्नोलॉजीज़ पर आप काम करना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं। चौथी चीज जो है वो ये है कि आप दोनों या तीनों जितने भी ऑफर लेटर आपके पास हैं उनके सैलरी को कंपेयर कीजिए। सैलरी को कंपेयर करने का मतलब, जैसे आपने तो लिखा है कि आपको दोनों जगह सेम पैकेज मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैंने एक पिछले किसी टेकी ट्यूजेस हिंदी के ही सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं कहीं पर आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, कहीं पर सैलरी जो है एज ए CTC आपको दी जाती है, कहीं पर सैलरी जो है एज ए कंसल्टेंट फी के तौर पर दी जाती है जहाँ पर एक स्टैंडर्ड टैक्स कटता है। तो आप जो ऑफर लेटर में जो सैलरी दी गई है, सैलरी का जो बाइफरकेशन है, कंप्लीट बाइफरकेशन देखिए कि उसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। कई कंपनी जो हैं वो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या एक्स्ट्रा कई सारे LTA या एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, मतलब सैलरी में ही एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स देते हैं जो कि वो CTC में रखते हैं, इन हैंड में जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो CTC बहुत ज्यादा ब्लोटेड रखते हैं, कि होता तो यही है कि आपको पैकेज जो है मान लो कि 3.5 लाख आपने बोला है, पैकेज 3.5 लाख का CTC 3.5 लाख का बनकर के आ रहा हो, लेकिन इन हैंड आपको जो है वो 1.5 या 2 लाख ही आ रहे हो। सो ये चीज है कि आप दोनों के कंपनियों के आप CTCs या जो जॉब ऑफर में जो सैलरी ब्रेकेज है उसको कंपेयर कीजिए कि दोनों में से किसमें आपको इनहैंड सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और फिर पुराने जो पॉइंट्स मैंने बोले उन सारे पॉइंट्स के साथ कंपेयर कीजिए कि क्या आप जिसमें इनहैंड सैलरी ज़्यादा मिल रही है, क्या आप उस कंपनी के साथ या उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो आप फॉरगो कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं दूसरी कंपनी के मुकाबले, अगर जिसमें कि आपको अपने पसंद का काम मिल रहा है लेकिन इनहैंड सैलरी थोड़ी सी कम है, बेनिफिट्स थोड़े से अलग हैं। और पांचवा पॉइंट होगा कि इन कंपनीज़ के बारे में आप रिव्यूज़ पढ़ें, जैसे पॉपुलर रिव्यू साइट्स होती हैं, ग्लासडोर एक बहुत ही पॉपुलर रिव्यू साइट है जहां पर कि बहुत सारे लोग जाकर के अपना रिव्यूज़ लिखते हैं। इनफैक्ट कई कंपनीज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से ज़बरदस्ती रिव्यूज़ लिखवाती हैं ग्लासडोर पर ही जाकर के, जब ज्वाइन करते हैं कि आप अपना 1 डे का रिव्यू लिखिए ग्लासडोर पर जाकर के, 6 महीने का रिव्यू लिखिए, 3 महीने का रिव्यू लिखिए, इस तरह के रिव्यू लिखवाते हैं, और HR ये मतलब स्पेसिफिकली पीछे पढ़ के करवाता है। मुझे पता है एक दो कंपनीज़ के जो ये काम करवाते हैं। सो आप ग्लासडोर पर जाकर के इन दोनों कंपनीज़ के रिव्यूज़, एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैप्पी हैं, ग्लासडोर रेटिंग इनकी क्या है, मतलब 4 स्टार है, 5 स्टार है, बेसिकली अगर 4 स्टार या उससे अबव हो तो कई बार ये अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों के मुकाबले। तो अगर किसी तरीके से आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में या किस प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं, तब तो सोने पे सुहागा है। अदरवाइज ये 4-5 पॉइंट हैं जिनसे आप बेटर ढंग से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको दोनों तीनों या जो भी ऑफर आपको मिल रहे हैं जिन जिन कंपनीज के, आप उनमें से कौन सा ऑफर लेना चाहते हैं। ये आप इन सारे पॉइंट्स को अगर अच्छे से एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है अफसल सी का, वो पूछते हैं व्हाट इज रेडजेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि रेडजेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है। अफसल सी, रेडजेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है या रैड क्या है। रैड जो है एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, मतलब काफ़ी आज से नहीं 20-22 सालों से, जब मैं कॉलेज में था और जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम भी VB6 यूज़ किया जाता। VB6 के लिए लोग बोलते थे कि VB6 इज़ ए रैड डेवलपमेंट टूल, यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल उन डेवलपमेंट टूल्स को कहा जाता है या उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनको यूज़ करके आप बहुत जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आज की डेट में हम रैड टूल्स कहते हैं कई बार नो कोड टूल्स को या लो कोड टूल्स को। नो कोड या लो कोड टूल्स वो होते हैं जिनमें कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़े आराम से
जो है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर वेब एप्लीकेशंस बनाने की बात करूं तो विक्स जो है, विक्स एक बहुत ही पॉपुलर आपका नो कोड टूल माना जाएगा, जिससे जिसको यूज़ करके आप वेबसाइट्स बना सकते हो। इन टर्म्स उसको कई लोग वेब बिल्डर भी बोलते हैं, वेबसाइट बिल्डर भी बोलते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर आप ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना चाहते हैं, ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं, तो आप शॉपिफाई पे जाकर के ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं। वो भी एक तरह से आपके रेड टूल के तौर पर माना जाएगा, यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल के तौर पर माना जाएगा, जहाँ पर कि आप बड़े आराम से जा करके अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ई कॉमर्स वगैरह सारे साइट वगैरह सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। सो रैड या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स उन टूल्स को कहा जाता है जहां पर कि आप बहुत ही इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से आप स्क्रीन डिजाइन करके और बहुत ही लेस कोड, बहुत ही कम कोड लिख करके आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। विक्स के केस में तो आपको कोड भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, या शॉपिफाई के केस में तो आई थिंक आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने इन दोनों में से किसी को यूज नहीं किया तो मैं क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द जो आपके लो कोड टूल्स होते हैं उनमें आपको बहुत कम मात्रा में कोड लिखना पड़ता है, और जो कोड भी लिखना पड़ता है बहुत ही सिंपल होता है लिखने के लिए, मतलब छोटे मोटे फार्मूलाज वगैरह लिखने पड़ते हैं। आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट्स में जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लो कोड टूल या नो कोड टूल फ्रेमवर्क जो है वो पॉपुलर हो रहा है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऐप्स। माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऐप्स भी जो है वो एक नो कोड टूल है जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। वहां पर भी आप ड्रैग एंड के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं कि नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिनको कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म के थ्रू डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप पावर प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो जो रैड टूल्स होते हैं या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, ये बेसिकली आपके वो टूल्स होते हैं जहां पर कि आप बहुत कम कोड लिख करके और एप्लीकेशन बना सकते हो। पुराने टाइम में हम VBA बोलते थे, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, जो कि बेसिकली क्या होता था कि आपके MS Excel हो गया या आपका MS Access हो गया, जो MS Access डेटाबेस होता है, लोकल फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है MS Access, तो MS Access डेटाबेस के ऊपर आप फॉर्म बेस्ड स्क्रीन बना सकते थे। इनफैक्ट आज के डेट में भी आप चाहें तो जैसे गूगल शीट्स जो है, गूगल की जो स्प्रेडशीट्स हैं ऑनलाइन जो आती हैं, गूगल शीट्स, उनके बेसिस पर आप फॉर्म्स बना सकते हो, फॉर्म्स के बेसिस पर आप गूगल शीट्स बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे जो एप्लीकेशन या टूल्स बनाने को, इनको हम रैड टूल्स बोलते हैं। सो ये था डेफिनेशन रैड टूल्स का। अब बात करते हैं कि रैड्स एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या रैड्स एंड रैड टूल्स क्या है। बेसिकली रैड्स एंड जो है वो आपका एक कंपनी है, रैड्स एंड एक कंपनी है जो कि इसी तरह का रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको एक टूल सेट प्रोवाइड करती है। और रैड्स एंड आपका एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टूल किट जो है आप एक ऑफलाइन एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल डेस्कटॉप पर, चाहे आप मैक पर करें चाहे आप विंडोज पर करें, और वहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप जो है एक वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक लो कोड टूल है, नो कोड टूल नहीं है, लो कोड टूल है। अब नो कोड टूल और लो कोड टूल में फर्क क्या होता है? नो कोड टूल का मतलब होता है कि आपको कोई भी कोड नहीं लिखना होता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लो कोड का मतलब होता है कि आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना होता है, और कई बार ये जो है कोड जनरेट करके देते हैं, तो आप खुद से भी उसके पूरे कोड को चेंज कर सकते हो। स्पेशली रैड्स एंड तो ऐसा ही टूल है जो कि आपको एंगुलर या ब्लेजर यूज करके आप जो है वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो रैड्स एंड अगर आप इंस्टॉल करते हैं, ये एक पेड टूल है, याद रहे, इसका 30 डेज का सिर्फ ट्रायल मिलता है। 30 डेज के ट्रायल के बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, और आप पैसे दे करके आप एप्लीकेशन जो है, क्योंकि 30 डेज का जो ट्रायल होता है, या शायद जो उसका फ्री ट्रायल जो है 30 डेज के ऊपर का जो कंप्लीट जो फ्री एक्सेस है, उसमें सिर्फ आप एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं या एक ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड लाइसेंस लेते हैं तो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और ये प्राइमरली जो है, ये लो कोड टूल जो है आपको जो जनरेट करता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जनरेट करता है, उसमें ये दो फ्रंट एंड के लिए दो टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है, एंगुलर या ब्लेजर, और बैक एंड के लिए जो है ये आपका ASP.NET कोर यूज़ करता है। सो .NET कोर में आपका वेब API लिखी होगी, और फ्रंट एंड के में वो ब्लेजर या आपका एंगुलर जो है, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करता है। जितना मुझे पता है ये एक टेलरिक के एम्प्लॉय का बनाया हुआ टूल है, और किस कंपनी, मतलब किस लोकेशन पर है, मेरे को लोकेशन भी याद था, शायद यूरोप में कोई लोकेशन है, वहाँ इटली विटली का कोई बंदा है, उसकी ये कंपनी है, और रैड्स एंड कंपनी का नाम है। लाइसेंस बहुत महंगा है, आई थिंक $600 साल का जो है पर डेवलपर फीस है इस
पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। सो आपके सवाल का जवाब ये रहेगा अफसल सी कि रेडजेन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज बेसिकली ए ऑफलाइन टूल, लो कोड टूल फॉर डेवलपिंग .NET बेस्ड एप्लीकेशन। उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। इनफैक्ट रेडजेन एक इकलौता नहीं है, अगर आप .NET बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि .NET बैकएंड और एंगुलर फ्रंट एंड बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो इंफ्राजिस्टिक्स का रिवील भी है। रिवील करके भी एक UI फ्रेमवर्क आता है जिसमें कि आप इंफ्राजिस्टिक्स के जो इग्नाइट कंट्रोल्स होते हैं उनको यूज़ करके और आप जो है यूज़ कर सकते हैं। रिवील है या आई थिंक इग्नाइट UI है, सॉरी मैं दोनों में से किसी एक का नाम मिसमैच कर रहा हूँ, लेकिन इंफ्राजिस्टिक्स का भी एक प्रॉपर ड्रैग एंड ड्रॉप UI जनरेशन का पूरा जो एप्लीकेशन है वो पूरा एक एप्लीकेशन टूल किट है। जैसे रेडजेन है वैसे ही इंफ्राजिस्टिक्स का भी अपना एक UI टूल किट है। सो रेडजेन क्या करता है, रेडजेन आपका एंगुलर या ब्लेजर बेस्ड आपका एप्लीकेशन बना करके देगा, वेबसाइट बना करके देगा, वेब एप्लीकेशन बना करके देगा, और उसमें वो रेडजेन के अपने कंट्रोल्स यूज़ करता है, यानी कि जो UI कंट्रोल्स होते हैं वो अपने कंट्रोल्स यूज़ करता है। उसी तरीके से इंफ्राजिस्टिक्स वाला भी जो एप्लीकेशन है वो भी वो इंफ्राजिस्टिक्स के अपने कंट्रोल्स यूज़ करता है। और ऑफ कोर्स ये दोनों जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स हैं दोनों के दोनों पेड टूल्स हैं। अगला सवाल रोहित का है, वो पूछते हैं इज क्रिएटिंग एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ए साइन ऑफ ए गुड डेवलपर, यानी कि क्या एक्सटेंसिव या डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाना एक अच्छे डेवलपर का साइन है? नहीं रोहित, ये एक अच्छे डेवलपर का नहीं बल्कि एक अच्छे टेक्निकल राइटर का साइन है। तो रोहित मैं आपको पहले तो ये समझा दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में या जब हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन लिखते हैं बनाते हैं मतलब डेवलप करते हैं तो उसमें तीन तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। एक होता है बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपका RFP हो गया, RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो गया, या प्रपोजल डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि आपका RFP जो है वो क्लाइंट देता है, प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है आपकी कंपनी के लोग देते हैं, चाहे वो सर्विसेज कंपनी हो या प्रोडक्ट कंपनी जो है वो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनाती है अपना पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, हाई लेवल डॉक्यूमेंट हो गया, लो लेवल डॉक्यूमेंट हो गया। सो एक तरह से ये जो डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम कहें तो पहला डॉक्यूमेंटेशन तो ये बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो गया जो कि RFP हो गया या प्रपोजल हो गया। दूसरा हो गया टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो गए। और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन जो हो गया वो हो गया डॉक्यूमेंटेशन इन बिटवीन द कोड, कि कोड में कई बार लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स वगैरह लिखते हैं कि हाँ भाई ये कमेंट्स कि ये कोड क्या करता है, ये कोड क्या नहीं करता, इस तरीके से। सो ये तीन तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। सो यहां पर ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन से डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो कोई भी बंदा जो कि ये तीनों तरह के डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से लिख ले, पहले तो ऐसा इकलौता बंदा तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर हम मान लो कोड के हिसाब से कहें कि आप किसी को कहोगे कि कोई अच्छा डॉक्यूमेंटेशन यानी कोड में खूब अच्छा एक्सटेंसिव कमेंट्स लिखता है वो एक अच्छा डेवलपर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक अच्छे डेवलपर हैं इस चीज़ का पैमाना ये होता है कि क्या आपका कोड जो है वो अच्छे से काम करता है, परफॉर्मेंट कोड है, यानी कि जो आपके परफॉर्मेंस गाइडलाइन आपके एप्लीकेशन के लिए क्लाइंट और आपके आर्किटेक्ट द्वारा सेट की गई हैं कि ये एप्लीकेशन के जो वेबसाइट का जो ये पेज है ये इतने देर में खुलना चाहिए या ये रिज़ल्ट आना चाहिए, और प्लस क्या आप सारे अच्छे डिज़ाइन पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस जो कि आपके आर्किटेक्ट या आपके सीनियर जो सजेस्ट करते हैं क्या आप उनको फॉलो करते हुए कोड लिखते हो, क्या सबसे बड़ी बात क्या आपका कोड जो है वो फंक्शनैलिटी फुलफ़िल करता है जो कि उससे एक्सपेक्टेड थी। सो अगर ये एक्सपेक्टेशन आपका कोड जो है वो फंक्शनैलिटी फुलफ़िल करता है कि जो उससे एक्सपेक्टेड था, तो दैट मीन्स कि आप अच्छे डेवलपर हैं। सो अच्छे डेवलपर की ये पहचान होती है कि उसका जो कोड है वो काम करता है जो काम उसे करना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। और इसका चेक करने का पैमाना कई बार कई लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं वो एक अच्छे डेवलपर होते हैं, क्योंकि वो अपने टेस्ट को साथ ही टेस्ट सॉरी अपने कोड को साथ में ही टेस्ट भी कर लेते हैं। इनिशियल टेस्टिंग से उनका लॉजिक भी ये होता क्लियर होता है कि हाँ भाई आपके एप्लीकेशन को जो करना चाहिए वो सही तरीके से कर रहा है। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ आपका, अगर आप डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, चाहे आपका लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे आपका कोड में कमेंट्स हो, ये सिर्फ ये दर्शाता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप कोड को समझते अच्छे से हैं। लेकिन असल में अगर आपका कोड सही काम नहीं कर रहा तो आपके एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम्प्लीटली फेल है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन जो है, ज़्यादातर लो लेवल डिज़ाइन टीम लीड्स लिखते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, और जो आपके प्रपोजल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर आपके बिजनेस एनालिस्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर और आर्किटेक्ट्स ये सब मिल करके बनाते हैं। सो इन सारे सिनेरियोज में डेवलपर का कि अच्छा डेवलपर है या नहीं, इन डॉक्यूमेंटेशन से डेवलपर का कोई लेना देना नहीं है। सो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो नहीं, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इस बात की पहचान नहीं है कि आप एक अच्छे डेवलपर हो। आप एक अच्छे डेवलपर हो उसका पहचान यही है कि आपका कोड वो काम करता है जिस काम के लिए वो कोड लिखा गया है, और आपके पास ये शो करने के तरीके हैं कि हाँ भाई ये कोड ये काम करता है जिस काम के लिए ये कोड लिखा गया है। यानी कि आपने यूनिट टेस्ट केसेस अगर अपने कोड के लिए लिख रखे हैं तो आप ऑफ कोर्स अच्छे डेवलपर हो, और आपके यूनिट टेस्ट केसेस पास होते हैं तो, मतलब ये नहीं कि आप खाली यूनिट टेस्ट केसेस लिख दो, आपके यूनिट टेस्ट केसेस अगर सारे सिनेरियोज में पास होते हैं, यूनिट टेस्ट केसेस के भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, पॉजिटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज, एक्सेप्शन केस सिनेरियोज, सो ये सारे सिनेरियोज अगर आपके यूनिट टेस्ट केसेस पास करते हैं, आपका कोड अगर इन सारे सिनेरियोज को पास करता है तो आपका कोड आप कहो आप एक अच्छे डेवलपर के तौर पे माने जाओगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अगर आप अच्छा लिखते हो तो इट डजेंट मैटर, आप एक अच्छे टेक्निकल राइटर हो सकते हो उस केस में, अच्छे डेवलपर हो सकते हो या नहीं इस बात की क्लैरिटी नहीं है। अगला सवाल जो है वो एच सिंह साहब का है, वो पूछते हैं, बीइंग ए .NET डेवलपर विथ 10 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इज इट ए वाइज डिसीजन टू वर्क ऑन पावर ऐप प्रोजेक्ट इन एक्सेंचर एज एलोकेटेड? What is the scope of that in future in compared to .NET, or would I request to change the project in my core technology? यानी कि एक 10 साल के .NET के एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए क्या पावर एप्स में काम करना फायदेमंद है या उसे करना चाहिए, और क्या पावर एप्स का आगे स्कोप है? सिंह साहब, आपका सवाल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो है, पहला क्वेश्चन का पार्ट जो है वो ये है कि क्या आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और क्या आपको एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले .NET डेवलपर को पावर एप्स में मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला सवाल तो आपका ये हो गया। तो इसका जवाब मेरी तरफ से ये है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है ये तो पता है, हमें पता चल गया आपके सवाल से, लेकिन क्या आपका ये 10 साल का एक्सपीरियंस एक्सेंचर में ही है, या आप एक्सेंचर में अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हो और 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, और आपने जो है एज ए .NET डेवलपर के तौर पे ज्वाइन किया लेकिन आपको पावर एप्स में डाल दिया गया है। सो एग्जैक्ट सिनेरियो जो है वो क्लियर नहीं है। सो इस बेसिस पर मैं तो यही कहूँगा कि इसका जो है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्लियरली जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लॉन्ग टर्म्स गोल्स क्या हैं। अगर मान लीजिए कि आपके लॉन्ग टर्म्स गोल जो है वो टेक्नोलॉजी स्टैक में ही रहने का है, यानी .NET टेक्नोलॉजी स्टैक में ही रहने का है, तो उस केस में ऑफ कोर्स चेंज करना अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आर्किटेक्चर साइड में जाने का है, या आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो प्री सेल्स में जाने का है, या मैनेजमेंट में जाने का है, तो ऑफ कोर्स पावर एप्स जो है वो सीख करके आप अपने टेक्नोलॉजी में एक डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे कि हाँ भाई आपको पावर एप्स के बारे में भी पता है। सो आप एक टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में ही रहेंगे आप, क्योंकि पावर एप्स और .NET दोनों माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में ही रहेंगे, लेकिन आपके पास ऑफ कोर्स ये डाइवर्सिफिकेशन होगा कि हाँ भाई आपको पावर एप्स के बारे में भी पता है। बिकॉज ये तो मैं जानता हूँ कि एज ए डेवलपर पावर एप्स में काम करना लोगों को उतना पसंद नहीं है, मुझे खुद भी पसंद नहीं है पावर एप्स में काम करना एज ए डेवलपर, क्योंकि जैसा मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में या पिछले आंसर में भी बताया है मैंने कि पावर एप्स जो है वो जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप नो कोड लो कोड टूल है। सो पावर एप्स में काम करना डेवलपर पसंद नहीं करते, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका अपना है। आपका दूसरा सवाल ये है कि पावर एप्स का स्कोप क्या है इन कंपैरिजन टू .NET फ्रेमवर्क। सो देखिए, यहाँ पर भी जो कंपैरिजन जो है वो एप्पल और ऑरेंजेस की हो जाती है कि दोनों के दोनों है तो फ्रूट, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं और दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अब अगर हम पावर एप्स की बात करें तो पावर एप्स जो है, जैसा मैंने कहा कि एक लो कोड डेवलपमेंट टूल है जिसको यूज़ करके आप मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं एंटरप्राइजेस के लिए। सो पावर एप्स में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और कनेक्शंस यूज़ करके आप जो है वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से .NET जो है, .NET
से आप सब कुछ कर सकते हैं, .NET यूज करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो दोनों के अपने 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 फायदे और अपने अपने नुकसान हैं, मतलब नुकसान तो वही कहूँगा, दोनों के अपने अपने नुकसान। जैसे पावर ऐप्स का नुकसान ये है कि आप एक तरह से एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में फिक्स रहते हैं। .NET के केस में ये हो जाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सो एक बेसिकली एक लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में या एक लैंग्वेज और एक टूल में जो डिफरेंस होता है वो मैं कहूँगा। सो उस केस में मतलब टूल ऑब्वियसली नुकसान में रहता है, लेकिन अगर आप स्कोप की बात करें, फ्यूचर का क्या है इसका, तो फ्यूचर में यही कहूँगा कि पावर ऐप्स का भी फ्यूचर कोई उतना बुरा नहीं है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट उसको बहुत पुश कर रहा है। और आप जैसे कि आप एक्सेंचर में हैं, आप एक्सेंचर या जितने भी बड़ी सर्विसेज कंपनीज हैं जो भी माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स हैं, एक्सेंचर भी माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्टनर ही कहूँगा मैं, आई थिंक गोल्ड पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर के, जो है ज्वाइंट वेंचर की एक कंपनी है अवनाडे करके कंपनी है वो, जो उसमें माइक्रोसॉफ्ट मतलब एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइंट वेंचर में उस कंपनी के नाम पर काम भी करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने सारे जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू पावर ऐप्स को बहुत पुश करवा रहा है कि हाँ भाई आप जो है अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पावर ऐप्स में एप्लीकेशन बना करके जल्दी से जल्दी दे दीजिए। उसमें होता क्या है कि जो भी क्लाइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट के, जिसके पास भी ऑफिस 365 के लाइसेंसेज होते हैं, वो बड़े आराम से एक पावर ऐप्स या दो पावर ऐप्स अपना यूज़ कर सकता है। सो इसलिए पावर ऐप्स बनाना ईजी होता है और रिसोर्सेज कम लगते हैं, इसलिए बहुत सारी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं वो अपने टीम्स को बोल रहे हैं कि हाँ भाई जल्दी से आप पावर ऐप सीखो और काम करना शुरू करो, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, टाइम टू मार्केट कम है कंपेयर टू अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने जाएंगे किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो आपको जितना टाइम लगेगा उससे आधे टाइम में आप पावर ऐप्स यूज करके मोबाइल ऐप बना सकते हैं। भले ही वो एक्चुअल मोबाइल ऐप जितना सुंदर ना हो, लेकिन हाँ काम तो कर ही देगा। तो फंक्शनैलिटी, अगर जहां पर फंक्शनैलिटी मैटर करती है बजाय ब्यूटीफुल यूआई के, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाइंट्स को बोल रहा है या अपने पार्टनर्स को बोल रहा है कि आप सारे लोगों को पावर ऐप्स जो है प्रमोट करो। सो उस केस में अगर मैं कहूँ तो हाँ पावर ऐप्स का स्कोप है, जब तक माइक्रोसॉफ्ट है तब तक तो पावर ऐप्स रहेगा, जैसे विंडोज रहेगा वैसे ही पावर ऐप्स भी रहेगा, पावर ऐप्स ग्रो कर रहा है, क्योंकि पावर ऐप्स इज नथिंग बट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ऑन स्टेरॉइड्स। सो विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन आज से 20 साल पहले था, अब वो धीरे धीरे बढ़ करके पावर ऐप्स बन चुका है। पावर ऐप्स में भी आप उसी तरीके से जो है अपना ऑफिस 365 के थ्रू आप कनेक्ट करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो स्कोप जो है वो .NET के कंपैरिजन में मैं ये कहूँगा कि .NET के जैसा ही है, जब तक माइक्रोसॉफ्ट रहेगा तब तक पावर ऐप्स रहेंगे। रही बात .NET की, तो .NET का स्कोप तो आपको पता ही है, मैं तो हमेशा प्रमोटर रहा हूँ .NET का कि .NET बहुत सालों तक रहने वाला है, क्योंकि .NET ओपन सोर्स है, तो माइक्रोसॉफ्ट रहे चाहे ना रहे .NET तो रहने वाला है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो मैं यही कहूँगा कि हाँ पावर ऐप्स में स्कोप काफ़ी है। अब अगर आप मेरी सजेशन की माने या मेरे से पूछें कि क्या आपको पावर ऐप सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप एक्सेंचर में ही रहना चाहते हैं तो पावर ऐप सीखिए ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉसेस को ना सुनना पसंद नहीं है। आप चाहे किसी भी कंपनी में हो, बॉसेस को ना सुनना पसंद नहीं है। आप अगर किसी बॉस को बोल दोगे कि नहीं मैं ये पावर ऐप्स में काम नहीं करूँगा, मैं .NET में ही काम करना चाहता हूँ या .NET में ही रहूँगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके अप्रेजल में या कहीं ना कहीं वो चीज़ निकल करके आएगी कि आप काम करने के लिए जो भी आपको काम दिया जा रहा है उस काम के लिए आप ना कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सो अगर आपका प्लान एक्सेंचर में ही रहने का है, तो भैया एक्सेंचर ही आपको पैसे भी दे रहा है सीखने के लिए, पावर ऐप्स सीख लीजिए, क्या बुरा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेंचर में नहीं रहना चाहते या आप ज़्यादा दिन से एक्सेंचर में हैं और आपका प्लान है कि आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा प्रोजेक्ट चेंज कर दो, क्योंकि उस सिनेरियो में आपके ऑफकोर्स वो बेंच पर मूव करेंगे और उस केस में आपके पास टाइम भी होगा, आप प्रिपेयर कीजिए और जॉब चेंज कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप एक्सेंचर में ही रहना चाहते हैं तो आपको बॉसेस से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और सीधे हाँ बोल करके पावर ऐप सीख करके उसमें काम करना चाहिए, बिकॉज स्कोप है उसमें, ऐसी बात नहीं है। और रही बात .NET की, तो .NET कहीं नहीं जा रहा, डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग जो है इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग, कि आपने एक बार अगर किसी भी फ्रेमवर्क स्पेशली .NET में अगर आपने पहले काम किया है तो अभी भी काम कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ ऐड जाती हैं जो कि आप बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल बाद भी अगर आप .NET में आते हैं तो बड़े आराम से कैचअप कर लेंगे। अगला सवाल जो है वो कौस्तुभ श्रीवास्तवा का है, वो पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर।
यानी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर में क्या फ़र्क है। कॉस्ट्यूव कोई फ़र्क नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो टाइटल्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर भी एक टाइटल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एक टाइटल है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर भी जो है वो एक टाइटल है। आइडली ये सारे टाइटल जो है वो आई थिंक कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं कि किस लेवल पर दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर एंट्री लेवल पर ही दिए जाते हैं टाइटल, जैसे कई कंपनी जब एक फ्रेशर को हायर करती है तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल दे देती है, कई कंपनी जो है दो साल वाले को सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल देती है, कई कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का टाइटल दे देती है। सो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे तीनों के तीनों जो हैं वो जस्ट टाइटल्स हैं। टेक्निकली अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर वो होता है जिसने कि इंजीनियरिंग की डिग्री की होती है, यानी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर किसी ने मैकेनिकल में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है तो उसे हम उस चीज़ का मैकेनिकल इंजीनियर कहेंगे। अगर किसी ने सिविल में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है तो उसे हम सिविल इंजीनियर कहेंगे। उसी तरह अगर किसी ने कंप्यूटर साइंसेज में या सॉफ्टवेयर्स में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है तो उसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेंगे। लेकिन आइडियली ये जो टाइटल्स होते हैं ना कंपनीज में, जो टाइटल्स होते हैं वो टाइटल्स कंपनी के एचआर डिसाइड करते हैं। एक मीटिंग में बैठ करके जैसे नाम डिसाइड किया जाता है ना किसी भी कंपनी का, वैसे टाइटल डिसाइड किए जाते हैं कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करेंगे, कंसल्टेंट यूज करेंगे हम, कहते हैं कि ज्यादातर जो है यही यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, डेवलपर कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरीके से। तो ये तीनों जो हैं ये जस्ट टाइटल्स हैं। आप इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कहीं पर जॉब करने जाएं तो टाइटल के पीछे मत भागें। टीम लीड, टेक लीड, इंजीनियरिंग लीड, ये सारे के सारे है तो लीड ही, ठीक है। सो आप टाइटल्स के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ इस चीज़ के पीछे जाइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उस पर्टिकुलर टाइटल या उस पर्टिकुलर जो भी आपकी जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया भी था जिसमें कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर, उन तीनों जो टाइटल्स हैं उनमें जो है मैंने डिफरेंसेस समझाए थे। हालांकि उन तीनों टाइटल्स में डिफरेंसेस थे, एक्चुअल डिफरेंसेस थे। अब क्या डिफरेंसेस थे वो आप उस वीडियो से देख करके समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, इन तीनों में मुझे सच बताऊं तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। तीनों जो है डिफरेंट कंपनीज के टाइटल हैं जो कि एक मिड लेवल या जूनियर लेवल डेवलपर के लिए यूज किए जाते हैं। सो किसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बुलाते हैं, किसी कंपनी में वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुलाते हैं और किसी कंपनी में वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बुलाते हैं। सो वो डिपेंड करता है और ज़्यादातर कई जगहों पर ये एचआर पॉलिसीज में भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ कंपनीज में मैंडेटरी होता है कि किसी ने अगर बीटेक किया हुआ हो तभी उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल दे। सो बीटेक या बीई किया हुआ हो तभी उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल दे, नहीं तो नहीं दे। ऐसा कई कंपनीज में, आई डोंट नो, मतलब मैंने तो खैर ऐसी कोई कंपनी देखी नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि कुछ कंपनीज में ये मैंडेटरी किया होता है। जैसे कई कंपनीज में मैंने एक दो कंपनीज देखी हुई है जहाँ पर कि वो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर का टाइटल देते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो बाहर से किसी बंदे को हायर कर रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा जो है एटलीस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेशन हो उसके पास, जैसे पीएमपी वगैरह हो। मतलब कुछ कंपनीज में मैंने ऐसा देखा है कि वो इस चीज़ का मैंडेट रखते हैं कि उसने अगर किसी बंदे ने पीएमपी किया हुआ है तभी उसको प्रोजेक्ट मैनेजर का जो टाइटल है वो दें, अदरवाइज अगर उस बंदे को उसी सेम प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल वाले किसी और टाइटल दे करके उसको हायर करेंगे और फिर उसको बोलेंगे कि हाँ भाई चूंकि तुम प्रोजेक्ट मैनेजर, तुम्हें बनाना है या तुम प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर रहे हो तो तुम ये वाला सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर लो। सो इस तरीके से कई कंपनीज ये चीज़ भी करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये टाइटल्स उतना मैटर नहीं करता है, वो एचआर के थ्रू डिसाइडेड होता है। स्पेशली एटलीस्ट इन तीनों टाइटल में तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, ये तीनों टाइटल सेम है। आप इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो टाइटल मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनीज में जूनियर या मिड लेवल के डेवलपर्स के लिए ये टाइटल यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं या YouTube के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर।
उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।